Woohoo! Applejack, तुम जरूर एक्वेस्ट्रिया रोडियो कंपटीशन में सबको हैरान कर दोगी। ओह, एप्पल ब्लूम, काश ऐसा ही हो। काश? मैं जानती हूँ ऐसा ही होगा। आखिरकार तुम पोनीवेल के लगातार 10 बार रोडियो चैंपियन हो। तुम्हारे पास 10 ब्लू रिबन्स है जो पोनीवेल में पहले किसी को नहीं मिली। और अब जल्दी हमारी बहन एक्वेस्ट्रिया के सारे ब्लू रिबन्स जीत लेगी और एक्वेस्ट्रिया की रोडियो कॉम्पिटिशन का खिताब भी घर ले जाएगी। थोड़ा संभल के डर्पी, पहले ही नुकसान कर चुकी हो, अब और नुकसान मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा गड़बड़ कहाँ हुई है। हाँ, ये तो एक राज है। बहुत अच्छे रेनबो डैश। तुम ठीक हो रेनबो डैश? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेलेस्टिया के नाम पर वहीं बैठी रहो और कुछ भी मत करो। उप्स, माफ करना। एप्पल जैक। सभी पोनीज कृपया यहाँ ध्यान दें। अटेंशन प्लीज। हाँ, तो हम सभी यहाँ एप्पल जैक को कैंटर लॉट में होने वाले एक्वेस्ट्रिया रोडियो कॉम्पिटिशन में भेजने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं एप्पल जैक को एडवांस में थैंक्स कहना चाहती हूँ अपनी प्राइज मनी को टाउन हॉल की मरम्मत के लिए देने के लिए। ये एप्पल जैक, वुहू! स्पीच। अरे नहीं, मुझे स्पीच देना नहीं आता। तो ठीक है, नो स्पीच। मगर आप लोग यहाँ मुझे विदा करने आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग तब से मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं जब से मैं एक छोटी सी पोनी थी। मेरी प्राइस मनी का सबसे अच्छा इस्तेमाल टाउन हॉल की मरम्मत करवाने के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। मैं पोनीवेल का नाम रोशन करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और उन रईस पोनियों को दिखा दो कि असली रोडियो पोनीज किसे कहते हैं। जरूर ग्रैनी स्मिथ। और सारा पैसा जीत कर लाना। बिल्कुल मैया। और मजे करना, नर्वस मत होना। अगर तुम नर्वस हो जाओ तो उस नर्वस एनर्जी को भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करना। और बहुत सारी मूंगफलियाँ खाना और पॉपकॉर्न और टैफी से तुम्हें बहुत सारी नर्वस एनर्जी मिलेगी। बस अपनी पूरी ताकत लगा देना एप्पल जैक। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी। ट्रेन बस छूटने ही वाली है, क्या सब लोग अपनी जगह पर बैठ गए हैं? शायद ये मेरे लिए है। बहुत सारे ब्लू रिबन्स के साथ और बहुत सारे पैसों के साथ। हाँ, शुक्रिया। मिलते हैं एक हफ्ते के बाद ब्लू रिबन से भरे बैग के साथ। बाय, मजे करो। और सरसप्रीला पीना। क्या इसे वो एक्स्ट्रा मजेदार बन जाएगी? ओह, उम्मीद है सरप्राइज पार्टी से एप्पल जैक सरप्राइज होगी। वेल, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। जानती हूँ, पर उम्मीद करती हूँ वो इतनी सरप्राइज ना हो जाए कि वो चौंक जाए, क्योंकि सरप्राइज होना अच्छा है पर चौंकना बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। सरप्राइज! ओह पिंकी, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। माफ करना, मैं तो बस अपनी सरप्राइज की प्रैक्टिस कर रही थी एप्पल जैक के एक्वेस्ट्रिया रोडियो चैंपियन बनने की खुशी में। सरप्राइज! शांत हो जाओ पिंकी, शायद एप्पल जैक आ रही है। चिंता मत करो ट्वाइलाइट, मेरे होंठ बंद हैं। आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। तुम्हें कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है?
है ट्वाइलाइट, क्या लिखा है? एप्पल जैक की तरफ से है, फ्रेंड्स और फैमिली। मैं पोनी विल वापस नहीं आ रही हूँ, चिंता मत करना, मैं जल्दी पैसे भेज दूंगी। बस इतना ही लिखा है। इसका मतलब एप्पल जैक वापस नहीं आ रही? क्या मतलब है एप्पल जैक वापस नहीं आएगी? वो पोनी विल से प्यार करती है और उसे स्वीट एप्पल एकड़ से भी बहुत प्यार है और उसे अपनी फैमिली से भी प्यार है। जरूर कुछ बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से एप्पल जैक यहाँ वापस नहीं आना चाहती। शायद उसे चोट लगी है या फिर वो उदास और डरी हुई होगी। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो हम पूरा इक्वेस्ट्रिया छान मारेंगे, हम उसे साथ लेकर आएंगे। तुम सब बहुत अच्छी हो। थैंक यू गर्ल्स। इस पोनी की कमी हमें महसूस होती रहेगी। उम्मीद है ये सुराग खाली नहीं जाएगा। उसे ढूंढने का वादा करके मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती। हम ये बात एप्पल फैमिली को कैसे बताएंगे? समझ नहीं आ रहा ये बात पोनीविल को कैसे बताएं? मुझे समझ नहीं आ रहा हम अगले स्टॉप तक कैसे पहुंचेंगे। गर्ल्स, ये डॉज जंक्शन है। रोजियो खत्म होने के बाद एप्पल जैक यही आने वाली थी। चलो सब अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। है ये पोनीज। एप्पल जैक, मैंने ढूंढ लिया। ओह एप्पल जैक, तुम मिल गई। तुम्हें सुरक्षित देखकर अच्छा लग रहा है। उसे मैंने ढूंढा। अभी वापस आती हूँ। कैसे हो तुम सब दोस्तों, कैसे चल रहा है? तुम पोनीविल वापस क्यों नहीं आई? हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? खाने के लिए कुछ है? हमें बताओ क्या हुआ एप्पल जैक? एप्पल जैक, क्या ये तुम्हारी पोनीविल की दोस्त है? जी मैम। और आप हैं? मैं चेरी जुबली हूँ, चेरी और रंच की बॉस। क्या एप्पल जैक ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? मैंने एप्पल जैक को इक्वेस्ट्रिया रोडियो में हिस्सा लेते हुए देखा। मैंने आज तक किसी पोनी को इतने सारे रिबन जीतते हुए नहीं देखा है। ओ, आप भी ना मिस जुबली, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वो कितनी सीधी है। खैर, मुझे तेज और दमदार पोनीज की हमेशा जरूरत रहती है। तो जब मैंने सुना कि एप्पल जैक अपना नजरिया बदलने के बारे में सोच रही है, मैंने बिना वक्त गवाए उससे बात की और उसे यहाँ डॉज जंक्शन में ले आई। वेल, अब मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अकेला छोड़ देती हूँ, रैंच पर मिलते हैं। नजरिया बदलना चाहती है, इसका क्या मतलब है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, मैंने सोचा एप्पल्स बहुत देख ली, जरा इस जगह के चेरीज भी देखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे नौकरी ले ली। बस इतनी सी बात? ये बहुत ही भयानक कहानी है। माफ करना पर मेरे पास बताने के लिए इतना ही है। मेरे लिए चिंता करने के लिए थैंक्स, पर तुम लोग जाओ, मेरे फैमिली को हाय कहना और उनसे कहना मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी एप्पल जैक, हम पूरे इक्वेस्ट्रिया में ढूंढते हुए तुम्हें इसलिए नहीं आए ताकि हम खाली हाथ घर वापस जाएं। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं बुलाया था, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है और मैं पोनीविल वापस नहीं जाने वाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रही है, एप्पल जैक हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। ट्वाइलाइट सही कह रही है, हमें उससे राज उगलवाना होगा। क्या उसके पास राज है? मुझे उसके बारे में पता था। क्या तुम अपना पूरा दम लगाने के लिए तैयार हो एप्पल जैक? बिल्कुल मिस जुबली। शानदार, अंदर आ जाओ गर्ल्स। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हारी चेरीज उठाने वाले हैं। क्या हम काम शुरू करें? ठीक है। रेड चेरीज एक डब्बे में और येलो चेरीज दूसरे में। चेरी पाई जितना सिंपल। बस एक चीज याद रखना,
मजे से काम करना। तुम पांचों के दिमाग में चल क्या रहा है? वो तुम्हें नहीं तो बताया था चेरी फार्म पर काम करने में कितना मजा है। हाँ ठीक है, पोनीविल के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, तुम बात करना बंद करके चलना क्यों नहीं शुरू करती? जी, कैंटलॉट कैसा था? पोनीविल के बारे में बात नहीं कर रही, कैंटलॉट के बारे में बात कर रही हूँ। कैंटलॉट ठीक था। रोडियो में मजा आया? हाँ। क्या तुमने वहाँ दोस्त बनाए? हाँ कुछ। वाकई? क्या तुम वाइल्ड बुल हिकॉक से मिली और कलामिटी मैन से? हाँ उन दोनों से मिली। और तुम मिस जुबली से कैसे मिली? Well, रोडियो में उन्होंने एक चेरी स्टैंड लगाया था, बहुत अच्छी चेरीज थी। माफ करना। चेरी विंग्स, चेरी चीज केक, चेरी टार्ट्स, हमने बहुत सी बातें की। हम दोनों को खेती करनी है ना? तो तुमने उन्हें स्वीट एप्पल एकर्स के बारे में बताया? हाँ। क्या तुमने बताया कि तुम वापस क्यों नहीं जा रही हो? नहीं, क्योंकि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। क्या तुम जरा धीरे चला सकती हो? क्या तुम इस वजह से नाराज हो कि मैंने तुम पर हर बार पानी बरसाया? नहीं, मदद करो। क्या इसकी वजह वो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्चर्ड्स वाली किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी? नहीं। क्या इसकी वजह ये है कि मैंने तुम्हारे बालों के बारे में बुरा बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी वजह नहीं बताना चाहती। वेल गर्ल्स, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। हाँ, मुश्किल काम करने के लिए मुश्किल तरीके अपनाने होंगे। वक्त है बड़े लोगों को बुलाने का। हे एप्पलजैक, तुम्हें मदद चाहिए? तुम वादा करो कि कोई सवाल नहीं पूछोगी? वादा करती हूँ। तुमने कभी चेरी चांगा खाया है? ओ माफ करना, ये तो एक सवाल था। इस तरह का सवाल पूछ सकती हो पिंकी? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया है। ओ कोई बात नहीं, ये मैंने अभी खुद ही बनाया है। चेरी चांगा पिसी हुई चेरीज होती है एक टॉर्टिला में, जिसे की डीप फ्राई किया गया हो। ये अच्छा नाम है ना? ओ पर शायद मुझे इसका नाम चिमी चेरी रखना चाहिए, ये भी अच्छा है। तुम्हारे ख्याल से कौन सा बेहतर रहेगा, चेरी चांगा या चिमी चेरी? अगर मैं इन दोनों का नाम जोड़ दूं, चिमी चेरी चांगा हो जाएगा। मुझे फनी वर्ड्स बहुत पसंद है। मेरा सबसे फनी वर्ड है कमकुआट। ये मैंने नहीं बनाया, मैं चाहती हूँ मैं एक कमकुआट ऑर्किड में काम करूँ ताकि मैं सारा दिन कमकुआट खा सकूँ। कमकुआट। और पिकल बैरल, क्या सबसे फनी वर्ड है ना? पिकल बैरल, पिकल बैरल, पिकल बैरल, मेरे साथ कहो, पिकल बैरल कम क्वाट, पिकल बैरल कम क्वाट, पिकल बैरल कम क्वाट, चिमी चेरी, चिमी चेरी चंगा, पिकल बैरल कम क्वाट। इसे रोकने का एक ही तरीका है, अपना राज उगल दो। नहीं कभी नहीं। चेरी चेरी। राज से याद आया, क्या तुम्हें पता है राज के साथ कितने सारे वर्ड्स राइम करते हैं? आज बास, नाज, राज, काज, लाज, हाज। मैं बताती हूँ यहाँ क्या चल रहा है, बस अपना बोलना बंद करो। पर क्या तुम कल सुबह तक इंतजार कर सकती हो? मैं बहुत थक गई हूँ। कल सुबह तक? मुझे नहीं पता। क्या तुम पिंकी प्रॉमिस करती हो? कल मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट पर सच सच बता दूंगी, ये पिंकी प्रॉमिस है। मुझे खुशी है कि आखिरकार हमें एप्पल जैक सारे जवाब देने वाली है। हाँ शायद। चिंता मत करो रेनबो, उसे सब बताना ही होगा, उसने पिंकी प्रॉमिस किया है। गुड मॉर्निंग एप्पल जैक, क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए? कोई पोनी पिंकी प्रॉमिस नहीं तोड़ती। एप्पल जैक,
नहीं, वो कहीं नहीं जा रही। वो देखो गर्ल्स, उस स्टेज कोच का पीछा करो। हमने तुम्हें पकड़ लिया। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, अब मुझे पकड़ के दिखाओ। ओह नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, तुम सब जान गई हो। क्या जान गई? वेल, जरा देखो। मैं देख रही हूँ, तुमने बहुत सारे रिबन्स जीते, जैसे कि मिस जुबली ने कहा था। क्या तुम समझी नहीं, इसमें हर रंग का रिबन है, हर रंग का, सिर्फ ब्लू को छोड़कर। मैं फोर्थ, थर्ड, यहाँ तक कि सेकंड भी आई, पर मैंने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता और मुझे कोई पैसे भी नहीं मिले। पर तुमने टेलीग्राम में लिखा था तुम पैसे भेज रही हो, इसीलिए मैं यहाँ आई ताकि मैं पैसे कमा सकूं। पोनीविल के उस शानदार विदाई के बाद मेरे पास खाली हाथ वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं हार कर घर वापस नहीं आना चाहती थी। एप्पल जैक, तुम हारी हुई खिलाड़ी नहीं, और हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता तुम जीतो या हारो, तुम अभी भी हमारे लिए नंबर वन दोस्त हो। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? और मेयर का क्या? मैं उन्हें आकर नहीं बता सकती कि टूटी छत की मरम्मत के लिए पैसे नहीं जुटा पाए। एप्पल जैक, हम छत को ठीक करने का दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं, पर अगर तुम वापस नहीं आई तो हमारे दिल में जो छेद होगा वो कभी नहीं भर पाएगा। ओ नहीं, अब क्या तुम मुझे रुला कर मानोगे? डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, जब आप पहले स्थान पर आते हैं तो खुद पर गर्व करना बहुत आसान होता है, बजाय कि तब जब आप आखिरी स्थान पर आते हैं। पर अगर आप उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाते तो सबसे छुपना नहीं चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग सकते, इससे बेहतर है कि आप अपने परिवार और दोस्तों की तरफ बढ़ें। मेरा मतलब, तुम्हारा क्या ख्याल है रैरिटी, चिमी चेरी और चेरी चंगा? चिमी चेरी, चेरी चंगा,
चिमी चेरी चंगा। जब मैं वापस आऊंगी तब तुम्हारी खैर नहीं रेनबो डैश। चिमी चेरी चेरी चंगा।